चांद पर एक सप्ताह पहले ही चंद्रयान 3 ने दे दी बड़ी गुड न्यूज। 1437 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 ने मचा दिया भोकाल, जिसे देख रूस छोड़िए चीन की भी बढ़ने लगी हैं धड़कने। लेकिन चांद पर भारी ट्रैफिक पर इसरो ने दी तगड़ी वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, चांद के ऊपर इतिहास रचने के करीब पहुंच चुका है भारत। चांद से केवल 1437 किलोमीटर की दूरी से चंद्रयान 3 ने बड़ा अपडेट दे दिया है। उसने इस बार इसरो को कुछ ऐसी चीज दिखा दी है कि इससे पूरी दुनिया में भोकाल मच चुका है। दोस्तों यकीन मानिए, चंद्रयान 3 ने एक साथ धरती और चांद के बारे में जो तस्वीरें भेजी हैं, वो आपको भी बाग बाग करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों, ये दुनिया की टेंशन भी बढ़ा सकते हैं कि भारत के पास अपने चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए कैमरे जब इतना तगड़ा कमाल कर सकते हैं, तो भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, इसके बाद तो इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे हैं, क्योंकि इसरो चीफ ने इसी के आधार पर कहा है कि अब कोई माइका लाल भी चंद्रयान 3 को नाकाम नहीं कर सकता है। दोस्तों, कोई वैज्ञानिक बिना आधार के बात नहीं करता है, और जब इसरो चीफ ने ये कहा है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की स्पेस एजेंसियों में तो कोहराम मचना तय है। वैसे दोस्तों, आप देख भी पा रहे हैं कि इसरो ने जब से चांद पर चंद्रयान 3 भेजा है, तब से ब्रिटेन के अंदर भूचाल है कि भारत उसका भी बाप बन चुका है। वो अब गरीब नहीं, महाशक्ति बन चुका है। उसका मीडिया हाउस बीबीसी तो जल करके राख हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए तो बाकायदा ट्रैकिंग के लिए इसरो के सपोर्ट में कूद पड़ी है, तो अमेरिका की नासा भी तेजी से दौड़ करके भारत के पाले में आ गई है। इसरो से वो ताबड़तोड़ हाथ मिला रही है, क्योंकि उससे भी अपने आर्टिमिस मिशन के लिए इसरो के इसी सपोर्ट की भयंकर दरकार है। मतलब दोस्तों, ये बेचैनी आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि इसरो की अहमियत इस वक्त दुनिया के अंदर कितनी हो चुकी है। तो तकनीक का बेताज बादशाह और चांद पर जाकर के बार बार फेल हो चुका जापान अपने वैज्ञानिकों की टोली को इस वक्त इसरो के पास भेज चुका है। उनकी स्पेस एजेंसी के चीफ इसरो के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, चीन किस कदर परेशान है इसको लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो चंद्रयान 3 पर पूरी नजर रखने के लिए अपने महाशक्तिशाली ट्रैकिंग शिप को हिंद महासागर में उतार चुका है। और दोस्तों, आपको भारत के दोस्त रूस के बारे में अगर बताऊं, तो रूस भारत के चंद्रयान 3 की 100% सफलता को भांपते हुए एकदम से फुर्ती में आ गया है, और अब वो अपना यान भी छोड़ रहा है ताकि इसे चंद्रयान 3 से पहले ही लैंड करवाया जा सके। मतलब दोस्तों, भगदड़ मच चुकी है। और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और दोस्तों इसरो ने अचानक क्यों कहा है कि चांद पर ट्रैफिक जैम हो रहा है, संकट बढ़ने लगा है, क्या वो इशारा रूस की तरफ था? और दोस्तों, इसरो चुपके से अपने चंद्रयान 3 के शेड्यूल में अचानक से क्यों चेंज करने लग गया है? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको चंद्रयान 3 का ताजा अपडेट बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसने एक के बाद एक जाबड़ मैसेज दुनिया के सामने रख दिए हैं, और इससे दुनिया में अब भूचाल मच चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 के उन कैमरों ने ली हैं जो असल में चंद्रयान 3 की जान है। दोस्तों, धरती की ये तस्वीरें ली गई हैं लैंडर इमेजर यानी LI कैमरे से, जब ये यान लॉन्च हुआ था। और दूसरी तस्वीर है चांद की, जो चंद्रयान 3 के सबसे जानदार कैमरे यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिमीटर कैमरा है। दोस्तों, LHVC ने ये तस्वीरें 6 अगस्त को ली थी, जब यान चांद की ऑर्बिट में एंट्री मार चुका था और चांद से 4313 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। दोस्तों, यही वो कैमरा है जो चांद की सतह के अंदर की तस्वीरें खींच लेगा और चंद्रयान 3 को लैंडिंग के दौरान बताएगा कि चांद की जमीन असल में कैसी है। अगर दोस्तों कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो ऑन बोर्ड कंप्यूटर यानी कि रोबोट खुद अपने आप अपने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैसले लेगा कि कैसे लैंडिंग करनी है। दोस्तों, ये काम कोई घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर नहीं, बल्कि 1 सेकंड के 96 पार्ट के अंदर हो जाएगा। यानी इतनी फास्ट डिसीजन ये यान अपने आप ले लेगा। दोस्तों, इसका एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि नासा भी इसका दीवाना हुआ पड़ा है। और दोस्तों, इसी दौरान इसरो ने एक और बड़ा कमाल करते हुए चंद्रयान 3 का टाइम और ईंधन अब बहुत ज्यादा बचा लिया है, और ये जबरदस्त काम इसरो की टीम ने कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, ये टाइम और ये ईंधन, यही वो दो बड़ी चीजें हैं जो इस यान की सफलता की दर को अब 100% कर चुकी हैं। मतलब अब अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत भी आती है, तो इसरो के पास 1 सप्ताह का एडवांस टाइम है, और इसरो काफी ईंधन भी बचा चुका है। हालांकि दोस्तों, ऑफिशियली इसरो दुनिया के सामने ये बातें नहीं बता रहा है।
लेकिन इसरो लगातार अपने यान को चांद के करीब लाने में जुटा हुआ है और इस वक्त ये मिनिमम 174 किलोमीटर और मैक्सिमम 1437 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और दोस्तों अब 14 अगस्त को दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में एक और तगड़ा खेल होने वाला है। दोस्तों इसरो अब केवल 2 बार ही ऐसा खेल करेगा और उसके बाद में यान उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से इसे बस उतरना ही बाकी रहेगा। दोस्तों इसी दौरान इसरो को एक और बड़ा मैसेज मिला है जो सबको झूमने पर मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि ये मैसेज इसरो को चंद्रयान 3 के रोबोट ने भेजा है। उसने कहा है कि मैं चंद्रमा की कक्षा में मजे से हूँ और इसरो कहे तो लगातार पोस्ट भी कर सकता हूँ ताकि फोटोएं दुनिया को जला करके राख कर सकें। दोस्तों इसने जो इमेज भेजी है उसमें चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और दूर पर पृथ्वी दिखाई दे रही है। दोस्तों इसरो वैज्ञानिक इस रोबोट की पूरी निगरानी कर रहे हैं और दोस्तों अब ये न केवल 100% बल्कि समय से पहले ही बड़े फैसले ले रहा है। और इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी पुख्ता तैयारी कर रही है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों इसरो के चीफ एस सोमनाथ का कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत हाई है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना तय है, लैंडर विक्रम किसी भी हाल में चांद पर लैंड करेगा। सोमनाथ ने कहा है कि अगर चंद्रयान 3 के 2 इंजन काम करना बंद कर दें, सारे सेंसर काम करना बंद कर देंगे तो भी ये लैंड कर जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लैंड करके ही दम लेगा, ये एक साथ कई सारे फेल्योर झेल लेगा। अगर इसका एल्गोरिदम सही तरीके से काम करता रहा और प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार चलता रहा तो ये काम करने में बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। अब बस दोस्तों इसरो की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती चांद पर हॉरिजॉन्टल घूम रहे लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लंबवत यानी कि वर्टिकल रूप से नीचे उतारना है। दोस्तों इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान 3 बिल्कुल अच्छी हालात में है। Everything is going fine now. Satellite is healthy. सबसे महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रोसेस है, जब चंद्रयान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा के अंदर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा और उसी दौरान पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और इसी दौरान दोस्तों इसका सही माप लगाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों साल 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 चांद के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन ऑर्बिटर से अलग होने के बाद जब ये लैंडिंग कर रहा था तब उसका ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम से आखिरी संपर्क तब हुआ जब वो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर मौजूद था। संपर्क टूटने के बाद दोबारा बहाल नहीं हो सका और मिशन के आखिरी पलों में भारत इतिहास रचने से चूक गया। लेकिन दोस्तों इस बार किसी भी हाल में ये सफल होकर के ही रहेगा, लेकिन इस बार भारत की कामयाबी को देखते हुए रूस ने पहले से ही अपना लैंडर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। और दोस्तों इसी बीच इसरो ने चंद्रमा के चारों ओर मौजूद ट्रैफिक का तगड़ा एनालिसिस किया है। दरअसल दोस्तों जब हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने साल 2019 में 31 जुलाई को जब चंद्र कक्षा के अंदर एंट्री मारी थी तब वो 3 बार दूसरे अंतरिक्ष यानों से टकराने से बचा था और अब रूस का लूना 25 16 अगस्त तक 100 किलोमीटर की कक्षा के अंदर एंट्री मार लेगा। और दोस्तों इसके बाद ये 21 से 23 अगस्त के बीच में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। और दोस्तों इसको लेकर के रूस ने कहा है कि इससे चंद्रयान 3 को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि दोस्तों रूस भारत से पहले ही चांद पर इस इलाके में अपनी धमक बना लेना चाहता है ताकि वो इतिहास रच दे, लेकिन दोस्तों भारत का चंद्रयान किसी भी हाल में यहां पर सक्सेस को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। आप दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।